अस्सलाम वालेकुम, किदा तुसी वधिया। उम्मीद कर दी सब खैरियत ना होंगे। अज की रेसिपी आ बीफ कलेजी, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है बीफ कलेजी की, और यदि स्मैल किदा ख़त्म करनी है वह भी तुम शेयर करांगे। बीफ कलेजी लिया 1 किलो अच्छी तरह धो लिया वा साफ पानी ने, बिल्कुल अच्छी तरह यानी कि यदा ब्लड वगैरह सारा निकाल लिया वा, और यदि स्मैल ख़त्म करने का तरीका भी मैं तुम्हें शेयर करूँगी। पहला अच्छी तरह धोना वा तुसी, और ये मैं 2 छोटे साइज टमाटर ले आ, 2 प्याज ले आ, और ये मैं साबत लहसन का इस्तेमाल करूँगी। ये पानी वगैरह तुसी ऐड नहीं करना, और ये मैं पा रही हूँ 1/2 कप घी का पाऊँगी ये, और ये सख्त घ्यो बन जाती है ढे को, सॉफ्ट नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी यदि वजह मैं तुम्हें दसूँगी। पहला तुसी अच्छी तरह फ्राई करना वा पानी तो बगैर, ये घी पा के तुसी अच्छी तरह फ्राई करना वा, क्योंकि कलेजी अपना पानी छोड़ देगी। और स्मैल ख़त्म करने लिए बादियानी फूल का इस्तेमाल करना वा, बादियानी फूल का छोटा टुकड़ा ले लेना वा 1, और ये तुसी लेना वा 1/2 चम्मच जीरा। बहुत ही मज़ेदार यदा टेस्ट आएगा। और कलेजी नू सॉफ्ट बनाने का तरीका वा, तुसी अच्छी तरह फ्राई करनी है। अगर तुसी ये पानी और नमक ऐड कर दूंगे तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगी और सॉफ्ट नहीं बनेगी। इदा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी, मैं तुहानू टेस्ट करके भी दिखा दिंदी आ, देखो बहुत ही सॉफ्ट आ, और फ्राई करने ना सॉफ्ट होएगी। नमक नहीं पाना, ना ही तुसी नमक मिर्च ये ऐड करनी है। हजे पहला अच्छी तरह इनू फ्राई करांगे, ठीक है ना। अगर तुसी मेरे चैनल पर नवे हो तो जल्दी ना जाके सबसक्राइब कर दो, और नाल ही बैल आइकन का बटन प्रेस कर दियो ताकि तुहानू हर आने वाली वीडियो मिल सके। अच्छा जी, कलेजी ने अपना पानी छोड़ता वा देख लो, और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनेगा। ये हूँ मैं पाऊँगी 1/2 चम्मच नमक और हल्दी, सॉरी ये मैं पा रही है 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाऊँगी 1/2 चम्मच, ठीक है ना। हूँ तुसी इस टाइम की करना वा, अच्छी तरह मिक्स करके हल्की अग पे तुसी रख देना वा 15 मिनट वास्ते, ठीक है ना। हल्की अग पे रखना वा, इन्नी ज़्यादा आग नहीं करनी, ताकि अच्छी तरह गल भी जाएगी, अच्छी तरह मज़ेदार टेस्ट भी आएगा, यदि स्मैल ख़त्म होगी। आस्ता आस्ता पकेगी, जिदा जिदा पकी जाएगी उदा यदि स्मैल ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दी बरकता, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार मसाला कलेजी तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। बीफ वाली तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता वा यदा, और बहुत ही सॉफ्ट आ, बहुत क्रीमी तरह की आ, बहुत ही मज़ेदार चकसेदार रेसिपी आ। उम्मीद है तुम्हें जरूर पसंद आएगी, और ये मैं 1-2 चीज़ा और ऐड करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नाल ही बैल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करो, ताकि तुम्हें हर आने वाली वीडियो मिल सके। अच्छी तरह बुनाई करनी है कलेजी की, बुनाई बिल्कुल तुसी परफेक्ट करनी है, बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि यदि जी स्मैल होगी बुनाई करने ना भी ख़त्म होंगी। और ये पाना वा 1 चम्मच तुसी पा लेना वा अदरक का, ठीक है ना। अदरक ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता वा, और अच्छी तरह बुनाई करने तो बाद अदरक का हमेशा उदो इस्तेमाल करना चाहिए वा जो अच्छी तरह बुनाई हो जाए, और जो बुनाई का टाइम होए उदो अदरक तुसी ये ऐड करना वा, ठीक है ना। हुण मैं ये पा दूँगी 1 चम्मच अदरक का। अच्छा जी, अच्छी तरह बुनाई करूँगे, और ये मैं पा रही हूँ 2 साबत हरिया मिर्चा, 1 नू मैं कट लगा लिया सी। अगर तुसी कट के पाना चाहते हैं कट के पा सकते हैं, बेशक तुहाडी अपनी चॉइस आ। अच्छी तरह बुनाई हो चुकी आ, हूँ मैं ये पाऊँगी 1/2 ग्लास पानी, ताकि सानू थोड़ी जी ग्रेवी चाहिए आ, और ये मैं मसाला रखूँगी थोड़ा जहा, और इस तो मैं 1/2 ग्लास पानी पाऊँगी, और बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनेगी। अच्छा, ये हूँ मैं पा रही हूँ 1/2 चम्मच गर्म मसाला और 1/2 चम्मच सुखा धनिया, ठीक है ना। सुखा धनिया, खुश्क धनिया दे बहुत ही प्यारा टेस्ट आता वा यदा भी, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई है। मैंने कमेंट करके लास्ट में दसना तुम्हें मेरी रेसिपी किदा दी लगी। बीफ मसाला कलेजी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है तुम्हें जरूर पसंद आएगी, और बहुत ही मज़ेदार और चकसेदार रेसिपी आ, बहुत ही सॉफ्ट वा, और कलेजी ते अगर तुसी नमक ऐड कर दोगे तो बहुत ही हार्ड बन जाती है, बहुत सख्त हो जाती है, और खुश्क जी बनती है। इदा बहुत ही नरम और बहुत ही मुलायम होंगी, बहुत ही प्यारा टेस्ट होंदा वा, और बहुत ही चस्केदार रेसिपी है ना। टेस्ट करके देखोगे बहुत ही मज़ेदार। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, असी फिर मिलेंगे नवे चस्के दे नाल, नवी रेसिपी दे नाल। ओके, अल्लाह हाफिज़।